कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला है। तंवर ने पूर्व सीएम हुड्डा सहित तमाम बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जो कांग्रेस पहले थी वो कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस में अब ऐसे नेता बचे हैं जो कांग्रेस को लेकर खत्म करने में जुटे हुए हैं। अशोक तंवर गुरुवार को झज्जर में पीटीआई टीचर के समर्थन में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया। बढ़िया कर दिया, जो जहाज डूबने वाला है ना, जिसका क्रैश होने वाला है, उससे तार दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा, तीन लोगों को ये उम्मीद थी कि भाई हम पहले भी संघर्ष करते थे, और ये इनकी शिकायत भी थी कि जिस तरीके से आपको लगना चाहिए वो थोड़ा सा कमी है। और मैंने इनको विश्वास भी दिया है कि जहाँ आप लोगों की ज़रूरत होगी, कहीं भी हरियाणा के लोग, क्योंकि अब हम तो इस बात को कहते रहे हैं कि ये जो और जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, ये संवेदनशीलता तो खो चुके हैं और राजनीति का एक धंधा बन गया है लोगों का। तो ऐसे में जो है, इनके साथ मिलकर के हम आगे के जो नई रूपरेखा है, जो एक विकल्प की ज़रूरत है पूरे प्रदेश में, देश में, वो भी मिलकर के तैयार करेंगे और ऐसे साथियों को न्याय मिले। ये हमारी लड़ाई पहले भी रही, गरीब मजदूर किसान की, कर्मचारी की, वो आगे और मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। कोरोना काल ने थोड़ा सा चीज़ों को बैकफुट पे डाल दिया, लेकिन इनके हौसले अभी भी बहुत मजबूत हैं, और जिनके हौसले मजबूत होते हैं उनको सफलता मिलती है और उनको साथ देने वाले भी मिलते हैं। अशोक तंवर नहीं तो कोई और मिलेगा, और नहीं तो कोई और मिलेगा, और इनको जो है कामयाबी जरूर मिलेगी।